अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल मीनिशु। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा, आई थॉट कि मैं अपनी लाइफ अपडेट आप लोग के साथ शेयर करूँ कि क्या हो रहा है आजकल मेरी लाइफ में, मैं क्यों अक्सर गायब हो जाती हूँ। रिसेंटली मेरे मियाँ जी जो हैं उनका एक्सीडेंट हुआ था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। गाड़ी जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो गई है। लास्ट टाइम जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी का, तो मैंने जो है कम्यूनिटी टैब में शेयर कर दिया था ताकि आप लोग को पता हो कि मैं क्यों गायब हूँ। लेकिन इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स आए थे उस पर कि बचाने वाला अल्लाह की ज़ात है, बेशक बचाने वाला अल्लाह की ज़ात है, वसीला इंसान को बना देता है। तो मैंने उसमें ये लिखा था कि मोटरसाइकिल वाले को बचाते बचाते हमारी अपनी गाड़ी लग गई। तो मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं या तो उनको कमतर समझती हूँ, मेरा मकसद था आप लोगों को बताना कि किस ट्रेजेडी से मैं गुजरी हूँ। और अगर मैं गायब हो गई हूँ तो उसका यही मकसद है कि मेंटली जो है मैं स्टेबल नहीं हूँ। लेकिन इतने हेट कमेंट्स मिले थे, इतने हेट कमेंट्स कि मुझे तवक्को भी नहीं थी इस बात की कि मुझे इतने हेट कमेंट्स मिलेंगे। लेकिन खैर, अब जब कल मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ तो मैं नमाज पढ़ रही थी, जाने नमाज पे थी, एकदम से मेरे दिल में कुछ खटका। मैंने उन्हें फ़ोन मिलाया कि आप किधर हैं। उन्होंने मुझे बताया कि भाई ऐसा हुआ है। अगेन उन्होंने मोटरसाइकिल को, जो बंदा था जो कि मोटरसाइकिल अपनी चला के रोड पार कर रहा था, ठीक है, साइड्स पे जो है वो गाड़ियाँ थी, बिल्कुल जगह नहीं थी, उसको बचाने के लिए मेरे हस्बैंड ने ब्रेक लगाई। वो इतनी तेज़ ब्रेक लगाई कि उन्होंने कहा कि दूर दूर तक गाड़ी की आवाज़ गई है। तो जो पीछे गाड़ी थी ऑब्वियसली उसने भी अपनी गाड़ी को बचाने के लिए ब्रेक लगाया एंड पीछे से गाड़ी को ठोकर लगी, शीशा वगैरह टूट गया, बम्पर ख़राब हो गया। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं हुआ, गाड़ी आने जाने की चीज़ है। लेकिन जब मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया तो मेरी इंस्टाग्राम फैम जो है ना, ऑब्वियसली जो यूट्यूब पे है वो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करते हैं, इतनी दुआएं, जो मैं मेंटली बिल्कुल स्टेबल नहीं थी ना, वो दुआएँ देख के, वो मैसेजेस देख के मेरा दिल इतना खुश हुआ कि अल्लाह तो साथ है ही लेकिन अल्लाह के बंदे भी साथ हैं। लाइक इतनी दुआएं कि मैं बयान नहीं कर सकती। खैर, तो YouTube की कम्युनिटी टैब पे इस बार मैंने क्यों नहीं शेयर किया, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं शेयर किया कि मुझे नेगेटिव कमेंट्स पसंद नहीं है, पता नहीं मुझसे बर्दाश्त नहीं होते या मुझे परवाह नहीं होती, इन दोनों में से एक चीज़ है। लेकिन लास्ट टाइम जब मैंने वो कमेंट्स देखे थे ना, मैं बहुत खफा हुई थी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। तो मैंने इसीलिए YouTube फैमिली के साथ शेयर नहीं किया। मैंने कहा ज़ुबानी कलामी आप लोगों को बताऊं, क्योंकि जब आमने सामने बात होती है तो बंदे के एक्सप्रेशंस भी पता लगते हैं और पता लगता है कि इंसान क्या बोल रहा है, ठीक है। दिल से जो बात होती है वो उठती है, ज़ुबान से निकलती है, तो सामने वाले को पता लग जाता है कि क्या बोलना चाह रहा है बंदा। सो खैर, गाड़ी ठीक होने गई है, गाड़ी का कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह करे इससे बड़ी मिल जाए। अल्लाह के दर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। अभी जो है हम दिन का आगाज़ करते हैं, दोपहर का टाइम है। मैंने छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड की है कि मेरा फेस किससे ठीक हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करके ठीक हो रहा है। बहुत गंदा रिएक्शन था, यहाँ मैं वीडियो मतलब पिक्चर डाल रही हूँ, वो देख लें, बहुत बुरा, ठीक है। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि क्या चीज़ मैंने यूज़ की थी, किस तरीके से यूज़ की थी कि ये रिएक्शन हुआ है और किस चीज़ से ठीक हुआ है, ठीक है। अभी तो आप देख सकते हो, मतलब माशाल्लाह ठीक हो रहा है। सो अभी दोपहर का टाइम है, खाना वगैरह बन चुका है और लाइट मैंने बंद की हुई है। बाहर जो है मशीन चल रही है, कपड़े धुल रहे हैं। मैं आपको बाहर का नज़ारा करा देती हूँ। सूरज आ रहा है, जा रहा है, लेकिन इतनी कोई गर्म गर्म हवा चल रही है कि रूह भी कांप जाती है जब हवा लगती है इतनी गर्मी है। अल्लाह गर्मी की शिद्दत को कम करे और बारिश करे। तो खाना तैयार हो चुका है, लेकिन खाना अभी हम लोगों ने खाया नहीं क्योंकि नाश्ता हम लोगों ने लेट किया था। कल का जो सदमा था ना, वो मेरे दिमाग में और दिल में था, तो मैं उठ ही नहीं पा रही थी सुबह में, वर्कआउट भी मिस हो गया। तो नाश्ता हम लोगों ने लेट किया, दोपहर का खाना जो है हम थोड़ी देर बाद खाएंगे। आज का जो मोटो है वो है मेरा जो वार्डरोब है, वार्डरोब या कपड़े कह लें, वो मैंने तय करने हैं, रखने हैं, क्योंकि इस्त्री काफ़ी अरसे से नहीं हुई क्योंकि लाइट होती नहीं है सुबह में। तो जब वो मेड आती है तो लाइट होती नहीं है, 2 बजे वो चली जाती है, तो कपड़े इसी तरह से पड़े हुए। तो आई थॉट मैं तय करके रख लूँ, क्योंकि जब बंदा नहाता है पहनता है तो वो खुद ही आप इस्त्री हो जाते हैं, तो आई थॉट कि मैस थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो मैं आप लोग को साथ लेके चलूंगी, आज पूरा दिन हम साथ साथ गुजारेंगे।
सो जी जनाब, मेड का ख्याल जो है वो अपने शोहर से ज़्यादा रखना पड़ता है, उनके मूड स्विंग्स कब हों कुछ पता नहीं लगता। खैर, आप सबको पता है कि मुझे कुकिंग से सख्त नफरत है, तो मेरी मेड जो है वो कुकिंग कर जाती है, खाना रख जाती है, फिर बाद में मैं डाल देती हूँ बच्चों को, और मेरा जो डाइट वाला खाना है वो भी बना के चली जाती है। तो मैं अपने साथ बॉटल अभी लेके जाऊँगी ऊपर, क्योंकि हमने वार्डरोब की सेटिंग करनी है। सेटिंग मतलब कि हमने कपड़े समेटने हैं। कपड़े समेट के रख दो तो बहुत आसानी होती है, क्योंकि फिर कमीज़ शलवार और शर्ट अलग अलग ढूंढनी नहीं पड़ती, आसानी होती है, टाइम जो है वो थोड़ा सा बच जाता है। तो पानी पी के मैंने सीधा तीर होके ऊपर जाना है, लेकिन उससे पहले मेरी सास यहाँ पर ख़त्म पड़ रही थी खजूर की जो हड्डियाँ होती हैं, मेरे ख्याल से मैं सही बोल रही हूँ, पश्तो में मुझे बोलना आता है लेकिन मुझे उर्दू में बोलना नहीं आता, या वह हावो पढ़ती हैं रिस्क में इजाफे के लिए। अगर आपको कोई काम नहीं हो रहा, फजर की नमाज के बाद हज़ार बार पढ़ें, आपके सारे काम हो जाने हैं। वजीफ़ा है ये, ख़त्म भी बोलते हैं इसको पश्तो में, मुझे नहीं पता कि उर्दू में क्या बोलते हैं, मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ऊपर जाना है, ये कपड़े मैंने लेके जाने हैं, बच्चों के कपड़े हैं, मैं अभी ऊपर जाके आप लोग को दिखाती हूँ। इतने कोई बेहतरीन पीजेज हैं, ये नाइट सूट हैं बच्चों के, आप इनको भाई घर में भी पहना सकते हो, बाहर भी पहना सकते हो, जैसे आपकी मर्ज़ी। क्वालिटी जो है ना ज़बरदस्त, 10/10 दो सूट मेरे हैं, ठीक है, और दो सूट जो हैं वो हिब्बा और अदन के मैचिंग हैं, और एक सूट जो है वो हिब्बा का अलग से। अब ये वाला जो है ना नाइट सूट, ये मेरा है। स्टफ़ की अगर मैं बात करूँ, मैं 10/10 दूँगी, सुपर लाइट, ठीक है, कंफर्टेबल, धो तो इसका कलर ख़राब नहीं होता। ये मैंने इंस्टाग्राम पेज से, मैं इनकी कस्टमर रह चुकी हूँ और अब ये इन्होंने PR भेजा है, ठीक है, तो इनकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। इतने कोई अफोर्डेबल हैं, ठीक है, आपको कोई महंगे महंगे ब्रांड्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इनको एज अ पीजेस भी पहन सकते हो, आप इनको एज अ ट्रैक सूट भी पहन सकते हो, इनको एज अ जिम वेयर भी पहन सकते हो। मुझे बड़ा कंफर्टेबल फील होता है जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मैं ये वाले कपड़े पहन लेती हूँ, क्योंकि स्वेटिंग इंतहा की होती है, पसीना तो वैसे भी टपक रहा होता है गर्मियों में, लेकिन घर के कपड़े ख़राब करने से अच्छा है कि आप वर्कआउट वाले कपड़े पहन लिया करो, या ये ट्रैक सूट या नाइट सूट पहन लिया करो, एंड देन चेंज कर लिया करो शावर लेने के बाद। अच्छा, क्वालिटी का मैंने बता दिया, प्रिंट भी बहुत प्यारे हैं। ये वाला जो भालू वाला प्रिंट है ना, बहुत क्यूट है। मटेरियल की मैं बात करूँ ना, इतने सॉफ्ट, इतने लाइट वेट, लगता ही नहीं है कि आपने कुछ पहना है, ठीक है, गर्मी फील नहीं होती, क्योंकि टी शर्ट्स में और ऐसे कपड़ों में ना गर्मी बहुत सख्त लगती है, लेकिन ये सुपर डुपर लाइट वेट। अच्छा, तो दोनों ये जो है ना मैचिंग मैचिंग है, अदन और हिब्बा के। अगेन मैं बता रही हूँ, मैं नीचे लिंक मेंशन कर दूँगी, इन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं दिए बताने के लिए, ठीक है, स्टार्टअप ब्रांड है, मैं इनको सिर्फ सपोर्ट कर रही हूँ, इसीलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। चीज़ अच्छी है इसीलिए शेयर कर रही हूँ, अगर अच्छी ना होती कभी शेयर ना करती। देन अगर आप लोगों ने ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो देखनी है, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। ये कपड़े मैंने लिए थे, आई थॉट किसी व्लॉग में आप लोग को मैंने दिखाया नहीं, 2500 रुपये के मैंने 3-piece सूट लिया था, जिससे मैंने ये मैक्सी बनवाई है। टंगी भी प्यारी नहीं लग रही, लेकिन इसमें जो मैं कमाल की स्मार्ट लगती हूँ ना, आपकी सोच, प्रिंट बहुत प्यारा है, साथ में ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है। जी जनाब, तो ये रहा देसी टच वाला वॉक इन वार्डरोब। मेरा बड़ा अरमान है कि मैं अपने मतलब अपने ज़ाती घर में जो है वो वॉक इन वार्डरोब बनाऊँ। इंशाल्लाह 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 जब मेरा घर कंप्लीट होगा तो फिर मैं आपको घर तो नहीं लेकिन वॉक इन वार्डरोब का टूर ज़रूर दूंगी। वो अरमान अपना मैं
पूरा करूँगी और आप लोग को दिखाऊँगी। ठीक है, मैं यहाँ पर डिसाइड करी थी, इवेंट था उसके लिए मैं क्या पहनूँ, ये मैक्सी मैंने निकाली थी और चंद चीज़ें, और वो मेरे ख्याल से किसी दूसरी वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेंगी। अगर वहाँ ना सही तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लें, वहाँ पर आप लोगों को इवेंट के हाईलाइट्स और तमाम डिटेल्स मिलेंगी और मैं किस तरह से तैयार हुई थी और क्या किया था क्या नहीं, सारी डिटेल्स, क्योंकि स्टोरीज़ में अपलोड करती हूँ डेली बेसिस पे। फटाफट कपड़े तय हो गए, काश इस वीडियो में जितने फटाफट तय हुए उतने ही रियल लाइफ में हो जाते। अच्छा, पेटी के ऊपर मैंने तय करके कपड़े क्यों रखे हैं, वजह यह है कि फिर अलग अलग कमीज शलवार और दुपट्टा ढूंढने नहीं पड़ते, आराम से कपड़े मिल जाते हैं और इतनी देर नहीं लगती इस्त्री में। और नीचे बैठ के इस्त्री होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, दोनों टोकरियाँ जो वो खाली हो चुकी हैं, चंद चीज़ें पड़ी हैं जो कि ठीक होनी है क्योंकि किसी में से बटन गिरा हुआ है, किसी में से क्या गिरा हुआ है, और बॉक्सेस में कपड़े पड़े हुए हैं जो कि सर्दियों के हैं, पेटी में भी सर्दियों के कपड़े पड़े हैं और यहाँ पर मेरे कपड़े पड़े हैं। अच्छा जी, तो इवेंट के लिए मैंने डिसाइड किया था ये दो येलो कलर की मैक्सियाँ थीं कि इनमें से कोई एक पहनूंगी, लेकिन एंड में डिसाइड किया मैंने एक स्कर्ट को एज अ ड्रेस पहन लिया। मैं यहाँ पर पिक्चर अटैच करी हूँ, आप लोग देख लीजिए। सो मैंने फिर ये वाला पहन लिया था इवेंट पे, ये दोनों भी बहुत प्यारे हैं। फिर हम लोग, फिर मैं काम ख़त्म करके नीचे गई। ये आज का व्लॉग था, चुन्नू मुन्नू सा व्लॉग, अगर पसंद आया तो मुझे ज़रूर बताइएगा। स्लीपिंग सूट के जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अगर आपने ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो देखनी है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में, मुझे अपनी तमाम रिक्वेस्ट भी लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।